हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सरकार और आपने गौरव गोल्डन रूफटॉप देखने की शुरुआत की है। और ये वीडियो में अभी बारिश का सीजन शुरू हुआ है तो हमें प्रूनिंग कटिंग जो कि गुड़हल के पौधे की और कोई भी पौधे की कटिंग या फिर प्रूनिंग कैसे करते हैं प्रॉपर तरीका आपके साथ साझा करेंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो हम आपके साथ साझा कर सके। आप बढ़ते हैं आगे और देखते हैं थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल हाउ टू प्रून योर हिबिस्कस प्लांट। ये वीडियो में हम आसानी से हिबिस्कस यानी जासवंत का जो पौधा होता है उसकी प्रूनिंग, गुड़हल का जो पौधा होता है उसकी प्रूनिंग कटिंग कैसे करते हैं और कौन से सीजन में करते हैं ये विस्तार में आपको। तो पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल देख लेते हैं। ये हमारा प्लांट है जो कि हिबिस्कस का, समझ लीजिए। तो इसकी हमें प्रूनिंग कैसे करनी है, तो ये देखिए पूरी ब्रांचेज जो है वो 50% आप कट कर सकते हैं। अगर आपकी प्लांट की हाइट अगर ज़्यादा है तो इसको भी आप कट कर सकते हैं, मतलब इसकी भी हाइट आप हाफ कर सकते हैं। सभी ब्रांचेस की हाइट हमने हाफ कर दी और ये स्लाइटली कट दिया है। नीचे नीचे जो भी छोटे छोटे पत्ते होते हैं, ये देखिए कट हमें कैसे लगाना है। कट हमें इनर साइड में लगाना है क्योंकि यहाँ पर बारिश का पानी रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो फंगस की प्रॉब्लम होती है। तो देखिए यहाँ पर अगर पानी नीचे गिरता है तो ये इजीली यहाँ पर निकल जाता है, लेकिन जो ऊपर का कट है यहाँ पर अगर बारिश का पानी गिरता है तो यहाँ पर इकट्ठा होने का चांस होता है, तो मतलब इसमें फंगस का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो कोई भी प्लांट या फिर ट्री की हम कटिंग या फिर प्रूनिंग करते हैं तो हमें स्लाइटली कट देना चाहिए, ये प्रॉपर तरीका होता है। बड़े बड़े आम के पेड़ होते हैं उसमें भी यही स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद जब हम प्रूनिंग हमारे पौधे की कंप्लीट करेंगे तो हमारा पौधा अब ऐसा दिखेगा, मतलब इसकी सभी ब्रांचेज छोटी हो जाएंगी, इसमें बाद में मल्टीपल शाखाएं निकलना शुरू होती है और हमारा पौधा घना हो जाता है, बुशी हो जाता है। उसमें नंबर ऑफ फ्रूटिंग के साथ नंबर ऑफ फ्लावर भी बढ़ जाते हैं, मतलब बड़े से पौधे में छोटा आकार ले लेता है। तो अभी थ्योरेटिकल खत्म हो गया, अब प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। ये हमारे हिबिस्कस यानी गुड़हल का प्लांट है जिसे हम छोटा सा पौधा भी कह सकते हैं, लेकिन अब इसकी हाइट भी 5 या 5.5 फीट के ऊपर चली गई है। तो हमें इसे प्रूनिंग करना है, इसकी अच्छे से कटिंग करके फिर इसे प्रॉपर शेप में लाना है ताकि इसे अच्छे फ्लावरिंग अभी मिल सके। यहाँ पर हमारे व्यूअर का एक छोटा सा हम कन्फ्यूजन दूर करेंगे, जो कि छोटे पौधे होते हैं नन्हे जेड प्लांट जैसे, तो हाथों से इनकी शाखाएं जो कट होती है उसे हम पिंचिंग कहते हैं। और मीडियम साइज में ये दंडी वाले पौधे जो कि गुलाब के, गुड़हल के यानी हमारे जस्मिन के जो पौधे होते हैं तो यहाँ पर इनकी प्रूनिंग कहते हैं, इसे प्रूनिंग कही जाती है। और जो बड़े बड़े लकड़ी वाले पेड़ होते हैं जैसे आम के पेड़, तो वहाँ पर कटिंग होती है। तो ये आप डिस्कशन जो कि 3 बात का अच्छे से समझ लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डेमोन्स्ट्रेशन को शुरू करते हैं और इसकी प्रूनिंग आपको बताते हैं। तो प्रूनिंग करने के लिए ऐसा एक टूल इस्तेमाल कीजिए जो कि कहीं पे भी इजीली अवेलेबल हो जाता है, या फिर एक छोटा सा नटराज का ये हमारा नाइफ है जो कि हमें स्टेरिलाइज करना है क्योंकि इसमें जंग वगैरह लगा होता है तो फंगस की प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। तो देखिए इसे हल्के से डेटॉल या फिर आपके घर में भी कोरोना वायरस का बहुत सारा सेवलॉन या फिर जिसे हम कहते हैं सैनिटाइजर होता है, इसे अच्छे से एक रुई के मदद से स्टेरिलाइज कर लीजिए। ये एक प्रॉपर तरीका होता है हमें पौधे को प्रूनिंग, कटिंग या फिर जो भी है करने का। अब प्रूनिंग कैसे करनी है हमने आपको डायग्राम में थ्योरेटिकली बताया था, अब प्रैक्टिकल शुरू कर देते हैं। प्रूनिंग करने के बहुत सारे फायदे होते हैं तो आइए देखते हैं। यहाँ पर बीच में से अच्छे से कट दे देते हैं और बचा हुआ पोर्शन नीचे रहने देते हैं और यहाँ पर ऊपर जो इसकी ब्रांचेस लगी इसे अच्छे से कट कर देते हैं। ये देखिए कट आप जितने भी शार्प लगाएंगे पौधा जल्दी ग्रो करेगा और इसका प्रॉपर रिजल्ट भी आपको आगे मिलने वाला है। और नीचे के जो छोटे छोटे पत्ते हैं उसे रहने दीजिए, पौधे को फूड स्टोरेज या फिर फूड क्रिएट करने में बहुत सारी इससे मदद होती है। देखिए अब पौधे का शेप जो छोटा छोटा कम हो रहा है। साल में एक बार प्रूनिंग करने के फायदे ये है कि पौधे में अच्छी पैदावार फूलों की या फिर फलों की रहती है, साथ ही साथ पौधा डिसीज रेजिस्टेंस में अच्छा सा रोल प्ले करता है, मतलब बहुत सारा इसमें डिसीज रेजिस्टेंस हो जाता है। तो आइए प्रूनिंग का बेस्ट सीजन कौन सा होता है, तो बहुत सारे व्यूअर को एक कन्फ्यूजन रहता है कि हमें कब प्रून करना है। तो बारिश के दिन जब शुरू होते हैं तो प्रूनिंग कर सकते हैं क्योंकि पौधे में तभी नए बहुत सारे शाखाएं पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। जब पौधा डॉर्मेंसी में होता है तब आपको प्रूनिंग बिल्कुल ही नहीं करनी है, वही टाइम में पौधा मर भी सकता है। अगर हार्ड प्रूनिंग करनी है तो ज़्यादा डंडे आप कट कर सकते हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है तो हल्के से पिंच कर दीजिए हाथों से, वह कारगर तरीका होता है। तो ये देखिए ऊपर का पूरा पोर्शन हमने कट कर दिया, अब पौधे की हाइट आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 फीट 3.5 फीट तक होंगी। तो देखिए अब ये पौधा
इसमें साइड ब्रांचेस करना शुरू कर देगा और बारिश का सीजन अभी चल रहा है तो पौधे में अच्छी घनहाट आपको मिल जाएंगी। कैमरा थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ और ये एक जो ब्रांच बची है इसे भी अच्छे से कट कर देते हैं आप चाकू की मदद से, सीजर की मदद से या फिर कोई भी स्टरलाइज नाइफ की मदद से अच्छे से कट पैदा कर सकते हैं। ये देखिए हमने इसमें पूरे वी कट लगाए हैं और आगे ये कटिंग को सील कैसे करना है ये देखिए। यहाँ पर बहुत सारी जो कि हमारी कॉमन प्रॉब्लम होती है जो कि मिलीबग जिसे कहते हैं वो पूरी हमने रिमूव कर दी। ये देखिए कितना प्यारा कट मिला है यहाँ पर हमें वी ऐसे स्लाइड में हमने ये कट किया है। तो यही तरीका आपको सभी पेड़ों में हमें क्रिएट करना है। ये देखिए कितना अच्छा कट हमने शार्प कट यहाँ पर लगाए हुए है तो ये कट में पानी बिल्कुल ही नहीं रुकेगा और साथ ही साथ इसमें कोई फंगस की प्रॉब्लम भी यहाँ पर क्रिएट नहीं होगी। YouTube पर बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे जो कि बहुत सारे थेरेटिकल होते हैं, प्रैक्टिकल उनमें बहुत ही कम होता है तो यहाँ पर हमने थेरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दिया है ताकि पौधा आपको कैसे प्रूनिंग करना चाहिए। यही सेम प्रोसीजर साइड वाले पौधे जो कि अलग कलर में अवेलेबल, इसकी हाइट देखिए कितनी बड़ी हो गई तो हमें इसे बीच में से कट कर देंगे। जो ऊपर की इसमें मल्टीपल स्टार शेप की जो ब्रांचेस मिली है अब नीचे से मिलना शुरू हो जाएंगी। मेरी हाइट आप देख सकते हैं और साथ ही साथ पौधे को कंपेयर कर लीजिए कि इतनी इसकी हाइट कितनी बड़ी हुई है। अगर पौधे की प्रॉपर प्रूनिंग होती है तो पौधे में कोई भी नुकसान बिल्कुल ही नहीं होता, हमें फायदे ही मिल जाते हैं। लेकिन आपको प्रूनिंग करने का तरीका हमने जैसे वीडियो में बताया है वैसे ही आपको फॉलो करना होगा। हमारे वीडियो आपको सच में इंफॉर्मेटिव लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे ही नई नई वीडियो हम आपके लिए लाया करेंगे। ये देखिए हमने इसकी बीच की जो शाखा इसे रिमूव कर दिया, बाद में छोटी छोटी हल्की पत्तियां हैं इसे निकाल लेते हैं और हमें प्रूनिंग करने के बाद अच्छे से जो कि शाखाएं होती है इसे अच्छे से सील करना है। सील करने का यही मतलब होता है कि पौधे में फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल ही ना होने पाए क्योंकि बारिश का सीजन शुरू हो गया है। यही कटिंग का प्रोसेस बड़े बड़े जो आम के पेड़ होते हैं यह इसमें फॉलो होता है। बहुत सारे गार्डनर जो कि बड़े बड़े आम के बगीचे लगाते हैं वहाँ भी यही सेम प्रोसीजर फॉलो होता है और आपको यही प्रोसीजर करना चाहिए। ये देखिए कितने बड़े बड़े हमारे प्लांट थे, अभी हमने इसे प्रॉपर प्रून करके इसका शेप छोटा कर दिया है, बाद में इसे बहुत सारी कलियां आना शुरू होने वाली है और ढेर सारी शाखाओं के साथ ये घना भी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर कट कितना प्रॉपर कट है जो कि इनर साइड में लगाया हुआ है, इसमें पानी बिल्कुल ही नहीं रुकेगा। तो यहाँ पर हमारा 70% वर्क कंप्लीट हो गया। अभी 30% ये जो कटिंग होते हैं इन्हें सील कैसे करना है तो पहला तरीका है जो कि हम ये देखिए हमने घर में जो मोम होती है इसे अच्छे से पिघला लिया और इसका जो वाटर होता है वो जॉइंट के ऊपर डाल देंगे तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारा जॉइंट है या फिर इसे कटिंग जो कहते हैं ये हमारा पूरा सील हो गया। अब इसमें पानी बिल्कुल ही नहीं रुकेगा और ना ही इस पर कोई पानी लगेगा और साथ ही साथ फंगस की प्रॉब्लम इसमें नहीं आएंगी। ये हमारा इजी और सस्ता वाला तरीका है जो कि बहुत ही कारगर साबित है। इसके अब्लिक में आप हनी वाला मोम जो कहता है जिसे हम मेन भी कहते हैं वो लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो जी कटिंग होता है जो अच्छे से सील हो गया, कॉर्नर थोड़ा सा रहेगा तो एक बार इसे अच्छे से मेन का जो पानी होता है यानी हम जिसे कैंडल कहते हैं वो प्रॉपर इसमें डाल देंगे तो ये हमारा कटिंग बिल्कुल अच्छे से सील हो गया। अब इसमें बिल्कुल फंगस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आते हैं दूसरे तरीके की ओर। दूसरा तरीका एकदम इजी जो कि कोई भी फंगल पाउडर जो कि हम ट्रॉट या फिर कोई टाटा का एम फंगीसाइड या फिर ट्राइकोडर्मा या फिर दालचीनी या फिर हल्दी कोई भी ले सकता है जो कि ऑर्गेनिक में आता है तो इसे एक रुई की मदद से सील में अच्छे से लगा दीजिए, मतलब इसे सील कर दीजिए। तो ये देखिए हमारा कटिंग है, इसे अच्छे से लगा लीजिए मतलब इस पर फंगस की प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं आएंगी। या फिर पूरे पौधे को आप फंगस के स्प्रे से, फंगीसाइड के स्प्रे से आप स्प्रे कर सकते हैं जो कि आपको 100% प्रोटेक्शन देता है। और चलो मान लेते हैं कि आपके पास ये दोनों भी चीज़ें मौजूद नहीं है तो तीसरी जो कि सभी घर में अवेलेबल होती है जो कि हमारी नेल पेंट, इसमें बहुत सारा एसिड होता है तो ये सील करने में हमें कारगर साबित होता है। और इसमें ये देखिए हमने जॉइंट को अच्छे से मल दिया है नेल पेंट के मदद से, ये केमिकल वाला तरीका है तो इससे क्या होता है नेल पेंट सूख जाता है और इसका स्पिरिट भी सूख जाता है तो इसमें कोई भी फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल ही नहीं होता। ये भी 100% प्रोटेक्शन वाला तरीका है जो कि हमने बहुत सारे प्लांट को पहले यूज किया है बाद में आपको बता रहे हैं।
तो आज का हमारे प्रूनिंग का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।